रिसेंटली कुछ पार्क्स डिज़ाइन किए गए और कुछ मोनोमेंटल स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए गए। तो उनमें से एक पार्क जो कि 1 एकड़ के एरिया के ऊपर मुश्तमिल है, उसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। चूँकि ये पार्क जो है वो इरेगुलर शेप के अंदर था, तो इसको शेप अप करने के लिए हमने कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का इस्तेमाल किया। इस पार्क के अंदर हमने जो ट्रांजिट पाथवेज थे उसको बनाया, कुछ गजीबोज बनाए, कुछ मोनोमेंटल स्ट्रक्चर बनाए उस जगह को आइकॉनिक बनाने के लिए। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक का काम था, कुछ प्लम्बिंग का काम था, बाउंड्री वॉल्स थी, हॉर्टिकल्चर का काम था। तो लोकल क्राफ्टमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए, लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, और लोकल जो डिज़ाइन लैंग्वेज जो सराउंडिंग में चल रही थी, और पार्क बजाते खुद हमें वो जो साइट थी वो किस तरह की ज्योमेट्रिक लैंग्वेज अलाउ कर रही थी, उसको देखते हुए हमने उस पार्क को जो है वो डिज़ाइन किया। इस पार्क को डिज़ाइन करने में हमें तो बहुत मज़ा आया, लेकिन इसका जो प्रोसेस है, आए आपको वो दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने इस पार्क को पाया तकमील तक पहुँचाया। एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के साथ हमने पार्क को एक हम आहंग और दिलकश माहौल पैदा करने के लिए शक्ल दी। पार्क में 1 किलोमीटर का एक ट्रैक शामिल है जो पूरे इलाके का अहाता जो है वो तय करता है, जो चलने दौड़ने या सिर्फ चहलकदमी के लिए, जॉगिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से कुछ एक्सपीरियंशियल पाथवेज और ट्रांजिट ट्रैक शामिल किए गए जो एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं और हिकमत अमली के साथ सोच समझ कर रखे गए, और कुछ गजीबोज भी उस जगह के ऊपर प्लेस किए गए ताकि जॉगिंग के बाद आराम किया जा सके या कुछ देर बैठा जा सके। और सबसे ख़ास बात है वो कहते हैं कि एक हमने यूनिटी मॉन्यूमेंट जो है वो बनाया, स्टील से बना हुआ ढांचा है, एक परिंदे से मुतासिर है जो खामोशी से बैठा हुआ है और इसके पर खुले हुए हैं। ये कम्युनिटी के बंधन और इत्तेहाद की एक ताकतवर अलामत है। जो एक रोड के जंक्शन के सामना करने वाली अहम जगह के ऊपर रखा गया है। इसके डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन मेथडोलॉजी की बात करें तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट के ऊपर इसको डिज़ाइन किया गया। और जदीद डिज़ाइन की साख्ती और पायदारी किस तरीके से होती है, वही चीज़ रिफ़्लेक्ट हुई बिल्कुल इसके डिज़ाइन के ऊपर। इसकी एग्जीक्यूशन करवाते हुए चूंकि हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन इधर की जो लोकल क्राफ्टमैनशिप थी उसकी हेल्प मिली। कुछ स्कल्प्टर थे, सुहेब हमारे साथ था, कैसर भाई हमारे साथ थे, और कॉमरेड्स के पार्क के जो लेवल्स थे उनको भी एड्रेस किया गया, और ड्रेनेज और बारिश के पानी को संभालने के लिए एक मुअस्सर प्लम्बिंग सिस्टम जो होता है वो नाफिस किया गया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि पार्क साल भर फाल और लुत्फानंदोज़ रहे। ये आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छा तजर्बा रहा है। इससे हमने बहुत सी चीज़ें सीखी, कम्युनिटी के अंदर एक कंट्रीब्यूशन की, उस कम्युनिटी की एक यूनिटी को समझा गया, और उसका जो कॉन्सेप्ट था उसको एक मोनूमेंट की सूरत के अंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया कि वो उस जगह की स्ट्रेंथ को भी शो करे, उधर की यूनिटी को भी शो करे।